पावरफुल बेस स्पीकर देख सकते हैं आज LG X Boom OK55। दोस्तों काफी हाईफाई सिस्टम आपके लिए ये देखने को मिल जाता है। 500 वॉट RMS का इसका स्पीकर है और काफी बेहतरीन साउंड इसके अंदर होने वाली है। तो बिना किसी देरी के इसकी अनबॉक्सिंग को करते हैं, उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा इसकी टेस्टिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के अनबॉक्सिंग को करते हैं शुरू। माइक, हेलो हेलो, पावर केबल, गाइस स्पीकर हमारा अनबॉक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं यार, इसमें 500 RMS का आपको ये वाला स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। काफी बड़ा स्पीकर है, तो इसकी पूरी टेस्टिंग अब हम करने वाले हैं। गाइस अब मैं आपको वन बाय वन इसके सारे फीचर्स बता देता हूँ। पहले मैं इसकी पावर को ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं पावर यहाँ से ऑन हो गई, हेलो का मैसेज आ चुका है। गाइस ये फर्स्ट बटन जो है ये पावर का होगा, ये रिकॉर्डिंग फॉर डेमो के लिए होगा और ये आपकी माइक की वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ में आएगा। और दोस्तों ये वाला बटन है आपके वोकल्स के लिए, ये वॉइस कैंसलर है। यहाँ पर वोकल इफेक्ट्स आप दे पाएंगे, माइक की इको को लेवल को सेट कर पाएंगे यहाँ से आप। और ये दोस्तों आपका एक डीजे स्क्रैच डीजे लेवल कंट्रोल है, देख सकते हैं। और दोस्तों ये वाला आप अगर देखेंगे यहाँ से आप लाइटिंग को चेंज कर पाएंगे, ये यूज़र इक्विलाइजेशन के लिए, ये डीजे के इफेक्ट जो भी आपको इफेक्ट देना है डीजे के अंदर वो आप दे पाएंगे, जैसे कि ये वाला इफेक्ट है इस तरीके से। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे आप यहाँ पर पार्टी अगर आपको स्टार्ट करनी है तो पार्टी स्टार्ट के लिए आपको अलग से म्यूज़िक देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे फर्स्ट वाला म्यूज़िक, सेकेंड, थर्ड, तो ये सारे म्यूज़िक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टार्टिंग म्यूजिक, देन दोस्तों यहाँ पे आपको पार्टी एक्सेलरेटर देखने के लिए मिल जाता है। ये पार्टी एक्सेलरेटर मोड है, यहाँ से आप तीन तरह के मोड में इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये फर्स्ट मोड हो गया। अब दोस्तों सेकंड मोड में आपको दिखाता हूँ, थर्ड मोड, ये दोस्तों आपके तीनों मोड मैंने आपको दिखा दिए। अब इधर वाली साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको एक USB की प्लगिंग मिल जाती है देखने के लिए, इसमें आप पेन ड्राइव वगैरह लगा के म्यूज़िक को प्ले कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आपको यहाँ पर फंक्शन वाला बटन देखने के लिए मिल जाता है, जो F लिखा हुआ है ये वाला बटन। तो यहाँ से आप देख पाएंगे काफ़ी सारे फंक्शंस आपके चेंज होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे ये LG TV के ऊपर आ चुका है, ये FM के ऊपर आ चुका है, CD, USB और AUX, और इसके बाद दोस्तों पोर्टेबल, ब्लूटूथ, ये सारे मोड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये दोस्तों वायरलेस लिंक के लिए है। यहाँ पर आपको मास्टर वॉल्यूम, वॉल्यूम को प्लस या माइनस करने के लिए, ये बटन आपको म्यूज़िक को पीछे प्रीवियस करने के लिए, ये और फॉरवर्ड करने के लिए, और ये प्ले और पॉज करने के लिए बटन देखने के लिए मिल जाता है। इस बटन से दोस्तों आप CD ड्राइव को खोलेंगे, जैसे इसे प्रेस करेंगे आप CD ड्राइव आपकी ओपन हो जाएगी, और ये म्यूज़िक को स्टॉप करने के लिए पूरी तरीके से। ये दोस्तों यहाँ पर DJ स्क्रैच आपको फिर से देखने के लिए मिल जाता है, ये मल्टी में है। यहाँ पर आप इसका बास सेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ओके का बटन है, तो इसे भी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यही तो ये थे दोस्तों सारे के सारे फीचर जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। गाइस अभी आपने जो देखे वो सारे फीचर्स ऊपर वाले थे, अब मैं आपको ये नीचे वाले जो देखने के लिए मिल जाते हैं वो सारे फीचर्स बता देता हूँ। ये जैसे आप LG की ब्रांडिंग देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे माइक 1 का स्लॉट है, ये माइक 2 का स्लॉट है, और यहाँ पे आपको IR मिल जाता है, IR, ठीक है। और दोस्तों ये आपको CD ड्राइव मिल जाती है, जिसे आप, मैंने बटन बताया था, उसे ओपन करेंगे, देख सकते हैं आप CD ड्राइव आपका ओपन होके आ गया, आप इसमें CD लगा के म्यूजिक सुन सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो मिनी स्पीकर्स मिल जाते हैं। ये आपको 500 RMS वाला स्पीकर, मेन स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, ये आपका बास बूस्टर होगा नीचे। अब दोस्तों रिवर्स में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, रिवर्स में आपको क्या देखने के लिए मिल जाता है पीछे रियर साइड में, तो आप देख सकते हैं ये आपको देखने के लिए मिल जाता है ऑडियो प्लगइन वगैरह का ऑप्शन, और यहाँ पर आपको एक 3.5 mm जैक देखने के लिए मिल जाता है, और ये दोस्तों जब नीचे जब देखेंगे तो ऑक्स का एक केबल देखने के लिए मिल जाता है। देन अब मैं आपको म्यूजिक को प्ले करवा के दिखाता हूँ कि आप म्यूजिक किस तरीके का इसमें सुन सकते हैं, फिर हियर कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन।
गाइज ये आ चुका है हमारा माइक, आप देख सकते हैं। अब इसकी करते हैं टेस्टिंग। तो आपको यहाँ पे माइक के स्लॉट मैंने बता दिए, तो इसी एक स्लॉट में हम लगाएंगे। ये माइक हमने लगा लिया, अब यहाँ से आप वॉल्यूम को सेट कर सकते हैं। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, 1 2 3, हेलो हेलो हेलो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी प्यारी वॉइस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही है माइक के द्वारा। हेलो, वेलकम टू टेक्नोसिक्स चैनल। गाइज इसमें आपको दो स्लॉट मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला वाला आपको मिलता है सराउंडिंग के लिए, जब आप बोलेंगे तो सराउंड होगी साउंड, वो मैंने टेस्ट कर दिया। अब दोस्तों दूसरे माइक में हम करते हैं, तो दूसरे माइक आपको मिलता है वोकल के लिए, तो वोकल के लिए हम टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखेंगे साउंड आपकी सराउंड नहीं होगी और सिंपली आप साउंड को हियर कर पाएंगे। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, 1 2 3 1 2 3, वेलकम टू टेक्नोसिक्स चैनल। गाइज स्वागत है आप सभी का हेलो, ये मेरी वॉइस आ गई है। ये सारे इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाते गाइस, ये सारे थे इफेक्ट जो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इस स्पीकर के अंदर। पर्सनली आपको कौन सा पसंद लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब फाइनली म्यूजिक को, तो फाइनली अब हम शुभारंभ करते हैं म्यूजिक सुनने का। तो चलिए म्यूजिक को सुनते हैं और देखते हैं साउंड क्या है इसकी, क्या साउंड क्वालिटी है, वो सब आपको टेस्ट करके। गाइस अब हम पेयर करेंगे ब्लूटूथ स्पीकर को अपने मोबाइल से। तो आपको सिंपली फंक्शन के बटन से ब्लूटूथ मोड में जाना होगा। जैसे ही आप ब्लूटूथ मोड में जाएंगे आपको अपने मोबाइल पर भी ब्लूटूथ ऑन करना होगा, जैसा कि आप देख पाएंगे। गाइज अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास LG OK 55 F5, ये दोस्तों ये सर्च होके आ चुका है ब्लूटूथ से। तो अब इसे हम सिंपली कनेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं कनेक्टेड एक्टिव मीडिया। अब दोस्तों हम म्यूजिक को प्ले करते हैं। तो चलिए दोस्तों प्ले करते हैं म्यूजिक को। सबसे पहला म्यूजिक हम NCS का ही बजाएंगे, क्योंकि यार कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह की दिक्कत रहती है इस वजह से।
आपको ये ब्लूटूथ स्पीकर बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और मैं आपको रियलिटी में एक बात बता दूं यार, जब ये ब्लूटूथ स्पीकर अपने फुल बेस पे था तो इसने यार पूरी तरीके से मेरे घर को एकदम कंपनसेट कर दिया यार, काफी ज्यादा बेस था। तो बेसी स्पीकर है और काफी अच्छा स्पीकर है। तो आपको कैसा लगा ये बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, कौन से फीचर्स आपको इसके पसंद आए कमेंट में बताना, और अनबॉक्सिंग पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आपको ऐसी बड़ी बड़ी अनबॉक्सिंग और भी चैनल पर मिल पाए। काफी बड़ा स्पीकर था जो मैं आपके लिए लेके आया था यार, इसका प्राइस भी काफी हैवी है, ये 22,000 का स्पीकर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और काफी इसमें डीजे वगैरह के इफेक्ट्स मैंने आपको कर करके दिखाए, ये सारे के सारे इफेक्ट्स इसके अंदर आपको इसी प्राइस के अंदर मिल जाते हैं। तो काफी अच्छा अमेजिंग स्पीकर लगा यार मुझे ये ब्लूटूथ वाला, तो आप भी इसे परचेज कर सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी एक लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।